पेट में छुपा रखी थी 30 करोड़ की ड्रग्स, ऑपरेशन कर निकाला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। हेरोइन की ये खेप अफगानिस्तान से दिल्ली लाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक ये रैकेट अफगान से नाइजीरियाई हेरोइन कॉर्टेल से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस रैकेट का खुलासा उस समय हुआ जब एक संदिग्ध अफगानी नागरिक की गिरफ्तारी हुई। ये अफगानी नागरिक नई दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कंधार से दिल्ली पहुंचा था। उससे पूछताछ के बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पेट से ऑपरेशन कर 253 हेरोइन की गोलियां निकाली गई। इसके अलावा वसंत कुंज, उत्तम नगर और नोएडा में भी रेड कर हेरोइन की खेप बरामद की गई। बताया जा रहा है कि खेप दिल्ली NCR में सप्लाई होने वाली थी। अधिकारियों के मुताबिक लगातार अफगानिस्तान से भारत हेरोइन की बड़ी बड़ी खेप पहुंच रही है। इसको लेकर तमाम सीमाओं पर ज्यादा अलर्ट रखा जा रहा है। ये खेप दिल्ली NCR और पंजाब में सप्लाई के लिए आई थी। इसके अलावा रेव पार्टी और कॉलेज स्कूल के बाहर भी ड्रग सप्लाई होने की जांच की जा रही है।